पहाड़ों पर कुदरत का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, शिमला, कुल्लू और मंडी में सबसे ज्यादा तबाही। टीवी 9 पर समेज गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड में 14 लोगों की मौत। केदारनाथ घाटी में फंसे 3000 श्रद्धालु, रेस्क्यू जारी। चिनूक हेलीकॉप्टर भी लगाया गया, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। केरल के वायनाड में आज फिर हादसे वाली जगह जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका। कल अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 308 की मौत, 300 से ज्यादा लोग लापता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग, बाहें फैलाकर कर रहा हूं इंतजार, उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में लोगों को घर खाली करने का नोटिस, देर रात लोगों ने किया हंगामा, सुबह से विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी विधानसभा के पास नजूल संपत्ति विधेयक विधान परिषद में अटका, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया विरोध। विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया, अनुप्रिया पटेल बोली बिल वापस ले सरकार।